बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं 10th क्लास आप सब बेटा? आज 19 जून है और आज का हमारा मुताले पाकिस्तान का लेक्चर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो दौरे हुकूमत पहले टू उनके जो टेनोर है उनके ऊपर, और यूनिट नंबर 1 से ही है। आप लोगों से मैंने पिछले लेक्चर में भी रिक्वेस्ट की थी कि जिन बच्चों के एग्जामिक जर्नल रहते हैं वो जाके अपने स्कूल से ले लें, जो भी स्कूल ने आप लोगों को स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को टाइमिंग अलॉट की हुई है। काम बेटा अपना साथ का साथ जो है वो करते रहा करें और अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ताला इस क्रिटिकल सिचुएशन से हमें जल्द से जल्द बाहर निकाल दे, ताकि हमारी जिंदगी जो है वो नॉर्मल हो और मामूल पे वापस आए, अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। आपसे मैं डायरेक्ट जो है वो बुक शेयर करती होती हूँ ताकि आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक तो ये कि आपको प्रॉब्लम ना हो, दूसरी बात ये कि आपका जो है वो आपको पेज नंबर नहीं मिलते, बाज़ूकात कुछ बच्चों को टॉपिक ही समझ नहीं आती स्लाइड्स के ऊपर, इसलिए जो है वो बुक से ही बेटा मैं आप लोगों को काम करवा देती होती हूँ ताकि आपका जो है ना आपको फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। फिर बच्चों की बाद में मुझे कॉल्स आती हैं कि ये वहाँ पे क्या इशू है मैम, वहाँ पे कौन सा टॉपिक है, ये कहाँ पे है, इसलिए मैं आपके साथ बुक ही डायरेक्ट शेयर कर रही हूँ। अच्छा, हम लोगों ने ना बेनजीर भुट्टो का दौरे हुकूमत पढ़ा था कल, और आज हमने पढ़ना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। तो आपने पढ़ा था कि बेनजीर भुट्टो का जो दौरे हुकूमत है उसमें पहले मतलब 90 तक उनका या फिर वो उनकी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई, फिर 3 साल के बाद आया, तो वो बीच में जो एक पहले दौर के बाद उनके बाद जो गैप है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, और उनके दूसरे के बाद जो है वो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौर हुकूमत है। यानी पहला है नवंबर 1990 से जुलाई 1993 तक, ये देखें इसकी डेट भी मेंशन है आपकी बुक के ऊपर, और दूसरा जो है वो फरवरी 1997 से अक्टूबर 1999 तक है। इनका जो पहला दौर हुकूमत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, इनका डिसमिस हुआ पहला 58(2)(b) के कानून के तहत, और दूसरा जो है इनका मार्शला की नजर हुआ, ठीक है जी। इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है इन्होंने नवंबर 1990 में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इनकी जो लीडिंग पार्टी थी पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, सियासी जमातें, आप मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पॉलिटिक्स के लिए गवर्नमेंट में आने के लिए जो है वो लोग अपनी पार्टीज बनाते हैं कि हम गवर्नमेंट को सर्व करेंगे, सियासी तौर पर जो है वो कंट्री को डील करते हैं, तो उनके लिए जो उनकी जो जमातें होती हैं, जो उनकी तहरीक होती है उसके लिए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से था। इन्होंने आते हुए इनका जो सबसे पहला एक ये ना जो बेसिक चीजें हैं लाइक इस तरह की, वो मैं आपको बहुत आसान लफ्जों में आपके लेवल पे आके इजी सी लैंग्वेज में जो है वो आपसे शेयर करती होती हूँ। एक्चुअल में इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी जो है वो डिफिकल्ट होती हैं, तो इसलिए मैं आपसे बहुत इजी वर्डिंग में आपके आपके साथ यूज करती हूँ ताकि आपको चीज़ की समझ आ जाए। सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो पहले दौरे हुकूमत का जो कारनामा है वो इनका ये था कि इन्होंने ज़रई पॉलिसी एक बनाई थी 91 के अंदर, यानी किसानों के लिए जो है वो इन्होंने अपना एक बजट रखा था, यानी 10 करोड़ रुपए इन्होंने कहा था जी ये हम किसानों के ऊपर एग्रीकल्चर के हवाले से जो है वो खर्च करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने निजकारी कमीशन बना दिया। अच्छा, भुट्टो के दौर में ये हुआ था कि हर चीज़ को नेशनलाइज कर दिया गया था, यानी कौमी मलकियत में ले लिया गया था, कौमी अन्ने के अंदर ले लिया गया था, गवर्नमेंट हर चीज़ को डील करती थी, लेकिन 1991 में नवाज गवर्नमेंट ने जो है वो इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ दोबारा से जो है वो तवज्जो दी, और निजकारी कमीशन यानी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सरकारी बैंक थे अदारे थे उनको दोबारा से जो है वो प्राइवेट सतह पर उसको ले गए, ठीक है। प्राइवेट शोबे के अंदर इन्होंने बैंक भी कायम किए, इन्होंने कहा जी ठीक है लोग अपने प्राइवेट बैंक बनाएंगे गवर्नमेंट उनको करेगी, इस तरह इन्होंने कुछ बैंक और अदारे जो थे वो निजकारी कमीशन को फरोख्त भी कर दिए, ठीक है, यानी अपने गवर्नमेंट ने कुछ अदारे सेल कर दिए प्राइवेट मालिकों के हाथों, इससे काफ़ी सारा जो है वो खजाना भी इनके ऊपर इनके इनके साथ जो है वो इकट्ठा हुआ। फिर तीसरी बात जो इनके दौर की सबसे इम्पोर्टेंट थी, फर्स्ट जो इनका टेनोर है, सूबों पाकिस्तान के जो चारों सूबे थे, पहले हमारा इंडिया के साथ जो है वो वाटर क्राइसिस हमारे चल रहे थे, पानी का इशू चल रहा था, वो ऑलमोस्ट सॉल्व हुआ था अयूब खान के दौर में 1960 में, जबकि सिंटास का मादा हुआ था, और इनके दौर में जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में चारों सूबों का आपस में जो है चूंकि दरिया सिंध अब तमाम ऑलमोस्ट सूबों से गुजरता था, ठीक है, तो और फिर सबसे बड़ा दरिया भी है, इसके मावन दरिया जितने भी हैं मिलके तो ये ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो
पानी का सिस्टम बलोचिस्तान के अंदर थोड़ा नहीं इसका है कि मतलब वहां पर झीलें और ये वो कार्य से चलता है, तो बहरहाल ये जो नहरी सिस्टम है सारा वो इसी के ऊपर क्योंकि डिपेंड करता है, तो सूबों के आपस में इनके ऊपर जो है वो झगड़ा चलता रहता था कि द्रैसिन का पानी कौन सा सूबा कितने तनासुब से यूज करेगा, ठीक है। तो फिर जो है वो नवाज गवर्नमेंट जो है इन्होंने अपने दौर में सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला मसला हल किया, सूबों के दरमियान एक माहदा तय पाया और इस तरीके से हमारा पानी का ये जो मसला था वो सॉल्व हुआ। इस माहदे की डिटेल इंशाल्लाह आगे जाके जब हम सिंतास माहदे की डिटेल पढ़ेंगे तो साथ इसी माहदे की डिटेल भी पढ़ेंगे। फिर 1992 में इन्होंने एक सदारती ऑर्डिनेंस होता है सदर के ऑर्डर पर जो कानून पास हो, ठीक है। ऑर्डिनेंस होता है मतलब जो किसी के ऑर्डर पर कानून पास हो, ठीक है। वहाँ बैतुल माल बनाया गया, गवर्नमेंट के लेवल पर बैतुल माल बनाया जिसमें ज़कात वगैरह मतलब ये जो बैंकों से ज़कात काटी जाती है या लोग डोनेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें या गवर्नमेंट जो है वो डोनेशन वगैरह करती है उसका अरेंज करती है, तो वो बैतुल माल के अंदर जमा होता है, उससे फिर गरीब लोगों की मदद की जाती है। अच्छा, अब इसमें खारजा पॉलिसी या नवाज शरीफ हुकूमत ने अपनी खारजा पॉलिसी जो है उसमें कई सारी चेंजिंग्स की थी, ठीक है। ये चीज़ मैं मानती हूँ कि इनके दौर में जो है वो फॉरेन पॉलिसी थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे लेकिन इसका फ़ायदा इंडिविजुअली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उठाते रहे, जो कलेक्टिवली जो कंट्री के लिए स्टेट के लिए एक्चुअली ये फ़ायदा उन चीज़ों का उठा सकते थे वो नहीं ये प्रॉपर तरीके से उठा पाए। अफगानिस्तान में जो क्या में अम के हवाले से, ठीक है, वो आपको पता है वो 90 में वो जो जहाज अफगानिस्तान वाला अपने टॉपिक पड़ा हुआ था 88 89 वो वाला इशू चल रहा था और सारा फिर जो है वो इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम जो चल रहे थे रशिया के साथ और अमेरिका और फिर वो जो खत्ते के अंदर एक टेंशन चल रही थी, ठीक है। जाहिर सी बात है अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क, अगर वहां पर जो है वो अमन होगा तो ही हमारे कंट्री के अंदर अमन होगा, ठीक है। तो इस काम के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे इनकी पहली गवर्नमेंट के अंदर बहुत स्टेप लिए गए और मुख्तलिफ लीडरों से इन्होंने मुज़ाकरात किए, ठीक है, और मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर सुलह करवाई, मसला कश्मीर के हल के लिए इंडिया को बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी, लेकिन ये बहरहाल मुज़ाकरात इनके बामकसद नहीं हो सके थे, ठीक है। फिर 1992 में भारत के अंदर इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को मुनहदम किया, ठीक है। ये बाबरी मस्जिद का जो इशू है ये मतलब शुरू से चलता रहा क्योंकि ये हिंदू जो है इसके ऊपर इसको मंदिर बनाना चाहते हैं इस जगह पर, ठीक है, और वहाँ पर जबकि मस्जिद बनी हुई है ऑलरेडी, तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने करारदादे मजम्मत इसके ऊपर पास की थी और अमेरिका और दूसरे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की भी कोशिश की गई, ठीक है। इनके दौर में पहले दौर में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने जो है वो अपनी मोहताज पॉलिसी पर ही कायम रहे कि ना अमेरिका और ना इराक दोनों में से किसी को भी जो है वो उसके साथ हामी नहीं भरी। अच्छा, फिर इनके पहले दौर के अंदर जो अवामी मनसूबे कायम किए गए थे उनमें तामीर वतन प्रोग्राम था, खुद रोजगार स्कीम थी और मोटरवे प्रोजेक्ट इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और येलो कैब स्कीम और अवामी मनसूबे वगैरह, ठीक है, ये इन्होंने बनाए थे जो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। असल में एक बात जहन में रखें, हमेशा कंट्री की डेवलपमेंट जो है होती है ना उसका कहीं ना कहीं निसार जाके रोड्स के ऊपर भी होता है, तो कंट्री अगर डेवलप हो रहा है तो सबसे पहले हमें रोड्स अपने डेवलप करने पड़ेंगे ताकि सारा कंट्री आपस में जो है वो कनेक्ट रहे। तो ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात पर एतराज़ करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पैसा सारा सड़कों पे ही लगाया, तो सड़कें भी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, बहरहाल आगे इसमें देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, ये तो मतलब चीदा से नुकात थे इनके पहले दौर हुकूमत के। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो पहली हुकूमत थी इसमें सदर गुलाम इसहाक खान थे इनके साथ सदर, अगर आपको याद हो तो बेनजीर के साथ भी यही थे पहले उनके दौर में, फिर बेनजीर को उन्होंने डिसमिस करके फिर न्यू इनके वजीर आजम जो थे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे और लेकिन सदर यही थे, ठीक है। इन्होंने गुलाम इसहाक खान ने जो है वो बेनजीर की हुकूमत को भी इसी तरह गिराया था 58B का सहारा लेकर, और नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत तकरीबन 2.5 साल चली थी, ठीक है। फिर इनकी जगह पर जो है वो मिस्टर बलख शेर मजारी को नगरान वजीर आजम बनाया, नगरान वजीर आजम का मतलब होता है जो टेम्परेरी हो, यानी जब तक परमानेंट कोई वजीर आजम नहीं आता तब तक जो है वो ये अपने फ्राइज एज अ प्राइम मिनिस्टर ये सर अंजाम देंगे। मुस्लिम लीग ने सदर के फैसले के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने सदर के अहकाम को मुस्तरद किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया, ठीक है। मगर सदर गुलाम इसहाक खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो थे इनके दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गया, बिलाखिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने
जुलाई 1993 को गुजारते उजमा से इस्तीफा दे दिया और गुलाम इसहाक खान की सदारत से मुस्ताफी हो गए। मईन कुरैशी उस वक्त जो थे वो नगरान वजीर आजम बने और नए इंतखाबात का ऐलान किया गया। एक दफा जब हो जाता है ना मतलब मामला कोर्ट तक चला जाए और फिर तो बाद में फिर जो है वो गवर्नमेंट्स की आपस के मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं इनकी कम की बनती है। ये चीज आप लोगों ने ज़िया के दौर में भी नोट की होगी। सानिया ओल्डी कैंप के बाद जब जुनेजो की और ज़िया की नहीं बनी आपस में तो फिर वो उसका एंड जो है वो अंजाम आखिर फिर जो है गवर्नमेंट टूटने पर ही हुआ। तो इसी तरह सेम यहाँ पे भी कि सदर और वजीर आजम के दरमियान नहीं बनी एंड पे फिर दोनों को रिजाइन करना पड़ गया। जाहिर सी बात है दोनों मिलके काम करेंगे ठीक है तो काम चलेगा, अदरवाइज अगर दोनों एक का रुख मशरक की तरफ और दूसरे का मगरब की तरफ इस तरह तो पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट जो है उसको या स्टेट अफेयर्स जो है उनको रन नहीं किया जा सकता। अच्छा इनका जो दूसरा दौर हुकूमत है वो फरवरी 1997 में था ठीक है, फिर पाकिस्तान के ये वजीर आजम बनते हैं। इस दौर में सबसे पहले जो है वो हुआ क्या जस्टिस सजाद अली शाह फारूक अहमद लोगारी ने रिजाइन कर दिया। अब गवर्नमेंट मतलब नवाज शरीफ की ये बनी हुई थी ठीक है, एक महीना हुआ था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है सजाद अली शाह तो उनके साथ इनके इख्तलाफात स्टार्ट हुए। उसकी रीजन ये कि सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो चेक एंड बैलेंस रखती है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट क्या कर रही है ठीक है, तो इसलिए इनके इख्तलाफात आपस में हो जाते हैं चल पड़ते हैं। तो लेकिन ये जो प्रॉब्लम था ये जो टेंशन थी इनके दरमियान नवाज शरीफ गवर्नमेंट और जो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह थे ये तवील होते गए ठीक है, तो इतने तवील हुए इतने फिर संगीन हुए कि फौज को मुदाखलत करनी पड़ी। लेकिन जब फौज ने मुदाखलत की तो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह जो थे उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इस तरह मतलब अब गवर्नमेंट भी जो है वो इस तरह स्टेट के कामों में इन्वॉल्व होगी तो फिर मैं जो है वो रिजाइन कर दूंगा। इसके बाद सदर पाकिस्तान फारूक अहमद लोगारी, ये अगर आपको याद हो तो बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर हुकूमत में सदर फारूक लोगारी थे तो इनके दौर में भी फिर हुई थी ठीक है। तो ये बहरहाल इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया ठीक है और इनकी जगह पर दिसंबर 1997 में दोबारा से सदर के इलेक्शन के लिए जो है वो इंतखाबात होते हैं। तो दो उम्मीदवार थे रफीक तारर ठीक है और पीपल्स पार्टी से थे एक और उम्मीदवार आफ्ताब शेरबान मेरानी ठीक है। तो ये जो जस्टिस रिटायर्ड रफीक तारर थे इन्होंने ये सदर के लिए अपना इलेक्शन जीत लिया था ठीक है और इनके दूसरे दौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक मुहिम चलाई थी कर्ज उतारो मुल्क संवारो मुहिम ठीक है। इक्तसादी सूरत हाल हमारी बेहतर नहीं थी, हुकूमत को बजट के लिए IMF से कर्ज लेना पड़ता था तो नवाज शरीफ ने क्या किया अपने लोगों के से जो है वो रिक्वेस्ट की कि कर्ज हसना दिया जाए गैर मुल्की कर्ज उतारने के लिए कौम से जो है वो कर्ज हसना की अपील की गई। मियां नवाज शरीफ की इस स्कीम पर अवाम ने रबैक कहा और भारतीय रकम जो थी वो कौमी खजाने में भारी रकम सॉरी काफी जो है वो भारी रकम पब्लिक ने जो है वो अपनी गवर्नमेंट का साथ देने के लिए कौमी खजाने में जमा करवाई। फिर इनके दौर में एक और मजीद जो बेहतर काम हुआ वो ये था कि दूसरे मुल्कों में जो पाकिस्तानी चले गए थे रिहाइश पजीर हो गए थे तो उनको भी पाकिस्तान में इलेक्शन के टाइम पे वोट का हक दिया गया ठीक है। इस तरीके से जो दूसरे मुल्कों में लोग रहते थे उनका दोबारा से इंटरेस्ट पैदा हुआ अपने मुल्क के मामला। फ्लोर क्रॉसिंग पे पाबंदी इन्होंने लगा दी थी, ये आइन में 1973 का जो आइन था उसमें 14वीं तरमीम यानी 14वीं दफा जो अगर कोई चीज चेंज की गई थी तो वो ये था कि फ्लोर क्रॉस करने पर पाबंदी लगा दी। फ्लोर क्रॉस करने का मतलब ये कि पार्टी बदलना ठीक है, कोई शख्स कोई रुकन पार्टी नहीं बदल सकता यानी अगर कोई बंदा जो है वो पहले PTI से है उसने PTI के जो है वोट के ऊपर इलेक्शन जीत लिया फिर असेंबली के अंदर जाके वो नवाज ग्रुप के साथ मिल गया और नवाज ग्रुप का जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए खड़ा था उसको वोट कर दिया, ऐसा नहीं कोई कर सकेगा। जो जिस पार्टी से है वो उसी पार्टी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसी लीडर को देगा, किसी दूसरे को नहीं दे देगा। अगर कोई इस बात को नहीं मानेगा कोई रुकन इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा तो फिर जो है वो तमाम पार्टीज अपने ऐसे रुकन को खारिज कर देंगे यानी पार्टी से निकाल देंगे और फिर कोई पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। 1998 की जो मरदमशुमारी हुई थी सेंसस हुआ था ठीक है, ये करवाया गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत में तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 13 करोड़ अफराद से ज्यादा थी, अब तो 22-23 करोड़ हो गई उन्हें। अच्छा उसके बाद देखें फिर इनके दौर में 1998 में वफाकी वजीर जो थे वजीर तालीम सैयद गौस अली शाह उन्होंने जो है वो कई नए तालीमी अदारे बनाए ठीक है। फिर इनका जो है एक और काम लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे था,
मियां नवाज शरीफ ने जनूबी एशिया की तवील तरीन जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है उसको बनाया, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ठीक है। और ये मंसूबा जो था इनके पहले दौर के अंदर बना था, शुरू हुआ था, और उस इनके दूसरे दौर में यानी 7-8 सालों में कम्प्लीट हुआ। 1998 में नवाज शरीफ ने खुद मोटरवे की तकमील पर इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। अब आता है मेन पॉइंट, 1978 में के आइन में ये जो एक दफा दो दफा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत इसका शिकार हुई 52B का, यानी सदर के पास इख्तियार था कि वो जब चाहे वजीर आज़म उसकी गवर्नमेंट को सॉलिड रीजन की बुनियाद पर जो है वो डिसमिस कर सकता है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने काम ही खत्म किया हिज़्बे मुखालिफ यानी अपोजिशन। अपोजिशन कहते हैं एक, मतलब जिस तरह दो पार्टीज हैं, दोनों में इलेक्शन होते हैं, एक पार्टी जीत जाती है उसको कहते हैं रूलिंग पार्टी, ठीक है, यानी जो रूल में होती है, जो पावर में होती है, जिसकी गवर्नमेंट चल रही होती है, और एक होती है अपोजिशन या हिज़्बे मुखालिफ यानी जो रनर अप होती है, तो वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा होती है, वो भी अपनी राय देती है, चेक एंड बैलेंस रखती है गवर्नमेंट के कामों पर, ठीक है, और मतलब तनकीद करती है कुछ गलत हो रहा हो। तो मियां नवाज शरीफ ने क्या किया, हज़्बे मुखालिफ को भी साथ मिला लिया, और अपनी पार्टी भी उनकी शामिल थी, असम्बलियां शामिल थी, उन्होंने क्या किया 1978 के आइन से 58B की शिक ही ख़त्म कर दी, ठीक है। यानी अभी ये क्या था कि सदर किसी भी असम्बली को किसी भी वक्त तोड़ सकता है, तो 13वीं तरमीम के जरिए यह सदर का इख्तियार ख़त्म हो गया था। ऊपर 14वीं तरमीम हुई थी फ्लोर क्रॉसिंग में, और 13वीं तरमीम ये थी। अच्छा, फिर इनके दौर का जो सबसे अहम कारनामा 28 मई 1998 को इनके दौर हुकूमत में पाकिस्तान ने जो है वो एटमी धमाके किए और एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर डिक्लेयर किया। अब कोई कोई कुछ भी बातें करे, मतलब ज़बरदस्ती करवाए फौज ने जो भी, लेकिन बहरहाल ये क्रेडिट इनकी गवर्नमेंट ले गई कि इन्होंने अपने गवर्नमेंट के दौर के अंदर जो है इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। उसके बाद ऐलान लाहौर 1990 में भारत के वजीर आजम थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी, तो इधर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, दोनों आपस में मिले, और ये जो भारतीय वजीर आजम थे ये वाघा बॉर्डर के लिए आए थे, ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे के साथ जो है वो ताल्लुक बेहतर करने का प्लान किया, कुछ मनसूबे किए, दावे किए, और एक अलामिया तो मादे पर दस्तक किए, ठीक है, इसका नाम फिर जो है वो ऐलान लाहौर रखा गया। अच्छा, फिर आ जाता है वापडा में फौज की आमद। 1999 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये काम किया कि वापडा जो था, मतलब बिजली और पानी और गैस का जो महकमा है उसके अंदर जो है वो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो ये क्या इन्होंने क्या किया, वापडा को जो है वो फौज के हवाले कर दिया, यानी फौज उसको जो है वो डील करेगी वापडा का सारा जो है। या ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती है कि एक डेमोक्रेटिक लीडर है और उसके हाथ से जो है वो ये इस तरह की चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही, तो वो खुद से मिलिट्री को हैंड ओवर कर रहे हैं। उसके बाद कारगिल 1999 में, कारगिल का तो आपको सबको पता ही, हमारी झड़प हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, शरीर किस्म की झड़प थी, जंग नहीं थी, ठीक है, उसमें हमारा भी नुकसान हुआ, उनका भी हुआ, बहरहाल अमेरिका की जो है वो बर्बाद मदाखलत की वजह से दोनों मुल्कों ने जंग बंद कर दी थी। फिर आ जाते हैं वाशिफ की दौर हुकूमत जो है उनका खात्मा। 12 अक्टूबर 1999 को मुशरफ ने वजीर आजम नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट कर मुल्क पर कब्जा कर लिया। चारागवा केस और इस तरह के जो है वो केस में खसूसी अदालत ने नवाज शरीफ को किसी भी पब्लिक अहदे के लिए नाहल करार दे दिया, जुर्माना और कैद की सजा में। अच्छा, अब ये पता है ये मतलब चारागवा केस ये था कि उस वक्त हमारी जो आर्मी थी उसके चीफ जो थे वो मुशर्रफ ही थे इनके दौर हुकूमत में, तो वो कहीं बाहर गए हुए थे, वापस आए तो उनका जहाज जो है वो किसी भी जगह पर लैंड नहीं करने दिया गया। बहरहाल वो पायलट था, उसने फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो है वो कंट्रोल रूम से रब्ता किया, और फिर जो है वो हंगामी सूरत हाल में इस जहाज को कराची के अंदर जो है वो उसके एयरपोर्ट का जो कंट्रोल था वो एयरफोर्स ने संभाला, और फिर वहाँ पर जो है इनका चारा लैंड करवाया गया था। तो ये वाला जो इशू था इसकी वजह से जो है वो फिर दोनों में आपस में नहीं बनी, और भी इसकी काफ़ी सारी रीज़न थी, ठीक है, तो लेकिन अभी चूँकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी। तो ये हुआ ये था कि फिर अदालत ने ना इनको सजा दे दी थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 10 साल के लिए जिला वतन इनको किया जाता है, तो ये अपनी फैमिली पूरे ख़ानदान से जो है ये बाहर चले जाएंगे 10 साल तक, इनके ख़ानदान का कोई एक सिंगल पद भी जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। तो फिर इन्होंने जो है वो सऊदी अरब से अजाइलम डिमांड की, अजाइलम कहते हैं सियासी पनाह को, यानी यहाँ से गए उधर जाके इन्होंने किसी और हुकूमत की बना ले ली, ठीक है, और फिर बाद में जो है आपको पता ही है कि
फिर कब ये पाकिस्तान और किस तरीके से इलेक्शन में सर। बेटा आज का हमारा लेक्चर यही था, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, आप लोगों ने काम कर लिया होगा। और आज का जो है वो आज का जो लेक्चर है आपने इसको याद कर लेना है और देख लेना है। ओके बेटा आज का हमारा यही लेक्चर था, आप लोगों ने इसको देख लेना है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी आप लोगों ने फीडबैक के अंदर जो है क्वेश्चन छोड़ देना, इंशाल्लाह फिर मैं आपको उसका आंसर कर दूंगी। व्हाट्सएप के अंदर भी आपको आ जाएंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस क्रिटिकल सिचुएशन से जल्द निजात दे। ओके भाई अल्लाह हाफिज़।